हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको प्रतिदिन एक न्यू मेडिसिन की जानकारी देते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम कौचा पाक है। कौचा पाक क्या कार्य करता है, किस बीमारी के लिए हमें कौचा पाक का यूज करना है, तथा कौचा पाक को खाकर हम किन किन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं, दोस्तों इन सब के बारे में आज हम बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए, जिससे आने वाली हर एक आयुर्वेद मेडिसिन की जानकारी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों, और आप भी आयुर्वेद मेडिसिन का यूज कर सके दोस्तों। क्योंकि आयुर्वेदिक ऐसी औषधि है जो किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की एक ताकत और एक क्षमता रखती है, और आयुर्वेद का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आयुर्वेद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए आप लोग भी आयुर्वेद का यूज कीजिए, आयुर्वेद का बेनिफिट लीजिए, और बिना साइड इफेक्ट के। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों, कौचा पाक की तरफ बात करते हैं। दोस्तों, जिसको भी लगता हो कि वीकनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, कमजोरी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, थकान सा महसूस हो रहा है दोस्तों, उसके लिए कौचा पाक बहुत अच्छी तरीके से कार्य करने वाली औषधि है दोस्तों। क्योंकि इसमें जो कंटेंट डाले गए हैं, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट डाले गए हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करने वाले हैं। जिसको भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, टाइमिंग का इशू है दोस्तों, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। कंटिन्यूस 3 से 6 मंथ कौचा पाक को सुबह शाम या ओनली रात को 1 चम्मच दूध के साथ, गर्म दूध के साथ यदि आप खाते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जिस जो जिम जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने वाली औषधि है दोस्तों। तो जिसको भी टाइमिंग का इशू बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सीक पतन का प्रॉब्लम है, नाइटफॉल का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। और जिम जाने वालों के लिए मसल गेन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, ताकत के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, प्रोटीन शेक की तरह कार्य करता है दोस्तों। और इसमें जो कंटेंट डाले गए उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला जो कंटेंट डाला गया है, कौचा डाला गया है, जो कि कैसा भी टाइमिंग का इशू, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। काऊ के घी डाले गए हैं, मतलब गाय के घी डाले गए हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आसानी से पचने में बहुत ही लाभदायक होगा। और इसमें डाला गया अक्कर काढ़ा, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए और ताकत के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। सुंठ डाला गया है, जो कि गैस, एसिडिटी, पित्त के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। लौंग डाला गया है, सर्दी जुकाम बुखार के लिए कार्य करता है। गोखरू डाला गया है, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, उत्तेजना प्रकट करता है, काम उत्तेजना के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। और इसमें डाला गया केसर डाला गया, जो कि ताकत के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। महिलाएँ एवं पुरुष दोनों कौचा पाक का यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर पुरुष ही कौचा पाक का यूज करते हैं, जिसको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बहुत बेटर कार्य करेगा। शुद्ध हिंगुल डाला गया है, शुद्ध टंकन डाला गया है, जो किसी बार की सर्दी जुकाम बुखार के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, गैस, एसिडिटी के लिए कार्य करेंगे। और धानक डाला गया है, कान कोला डाला गया है, बाला डाला गया है, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, ताकत प्रदान करता है, नसों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से बाला काम करता है। वंश लोचन डाला गया है, जो कि स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है और शुक्राणु वर्धक होता है। वंग भस्म डाला गया है, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है और अस्खलन को रोकता है दोस्तों। द्राक्षा डाला गया है, ये भी हमारे रक्तवर्धक है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। अभ्रक भस्म डाला गया है, जो कि गैस, एसिडिटी, पित्त तथा स्टमक को मजबूत करता है, डाइजेशन को हमारे बनाए रखता है दोस्तों, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। शर्करा डाला गया है, क्योंकि शर्करा के बिना ऐसा तैयार नहीं हो सकता, लोग खा नहीं सकते, इसलिए शर्करा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जिससे शर्करा से भी एसिडिटी नहीं बनती दोस्तों। यदि आप इतना कॉम्बिनेशन मिलाकर यदि आप ले रहे हैं, तो उसमें शर्करा ज़रूर डालें, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। मैंने इतना अच्छा और बहुत ही बारीकी से आपको हर एक कंटेंट के बारे में बताया है दोस्तों। ये सब यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक साथ यूज करने वाले ऐसे कंटेंट सिर्फ आपको कौचा पाक में देखने को मिल जाएंगे। कई सारे पाक आते हैं, बट कौचा पाक सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, ताकत के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, मसल गेन करने में भी कार्य करता है। जिनको भी ऐसा यदि प्रॉब्लम हो रहा है, उनको यूज करना चाहिए, इससे उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। इसको कंटिन्यू 3 मंथ तो जरूर यूज करना चाहिए, प्रॉपर रात में सोते समय 1 चम्मच गर्म दूध के साथ या सुबह शाम दोनों बार ले सकते हैं, इससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिससे आपका लाइफ पार्टनर भी अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा, आप भी हैप्पी रहेंगे दोस्तों। हाँ, एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें दोस्तों, किसी भी मेडिसिन का यदि आपको यूज करना है, तो आप किसी भी बिना किसी डॉक्टर के सजेस्ट से किसी मेडिसिन का यूज ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।